तो दोस्तों, हमें मालूम था आप काफी दिन से टाटा विंगर को एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में देखना चाहते थे। आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने टाटा विंगर्स। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में फ्रंट में मिल जाती है क्रिपिंग, जिससे काफी गाड़ी का लुक मिलता है। टाटा का लोगो, पियानो वाला यहाँ पे ऑप्शंस ग्रिपिंग के साथ में, और दो प्रोजेक्टाइल बल्ब। यहाँ पे आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर PS6 फास्ट 2 के साथ में। टायर की सेगमेंट्स की बात करेंगे, LT 195R15 के साथ में 8 PR इसकी स्टेपनी मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको 9 सीटर के सेगमेंट्स में, आइए इसके डोर को भी हम ओपन करके देखते हैं। फ्रंट का इंटीरियर काफी गुड लुकिंग के साथ में दिया गया है, जो देखने के साथ साथ सीट की कलर की कंपोजिशन की बात करें, ये भी काफी अच्छे रेड कलर्स के ऑप्शंस में मिल जाती है। तो ये है आज प्रभास एजुकेशन सेंटर 4.0 में लॉन्च की गई है टाटा के द्वारा अपडेट। 9 सीटर प्लस एक ड्राइवर 10 सीटर में आपको मिल जाती है, और यहाँ पे बेहतर बड़ी सी व्हील शीट, दो वाइपर्स। और इस गाड़ी की खूबियों की बात करें, हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स वो आप मिसिंग ना हो जाए। यहाँ पे आपको लंबाई मिल जाती है 49-40 mm की, जो काफ़ी लंबी देखने को मिल जाएगी। हाइट लेंथ सभी चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे आपको कितनी प्राइस भी होने वाली ये भी बताएंगे, क्योंकि ये इसकी प्राइस कम से कम 15 से 16 लाख रुपए तो हो ही सकती है और होगी। और यहाँ पे आपको फ्रंट के लुक से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे डोर वाइजर के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्स, हैंडल्स और सारी चीज़ सुविधा का ऑप्शन दिया गया है। चाइल्ड लॉक्स भी इसकी के अंदर दिए गए हैं, और वर्क थ्रू वाला केबिन्स मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सीट आपको रेड एंड पिंक में भी मिल जाती है, चॉकलेटी कलर्स के ऑप्शंस में ये काफ़ी सुंदर देखने को मिल रही है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे कलर्स भी आते हैं, अपने हिसाब से भी कलर्स आप परचेस कर सकते हैं। 9 सीटर की बात करें, अंदर का कार्गो बॉडी भी काफ़ी सुंदर देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखेंगे AC के साथ फुल चिल्ड AC मिलता है जाता है। और इसमें आपको क्योंकि AC को चिल्ड करना, तो इसमें अच्छी खासी एक पावर की भी जरूरत होगी, तो 12 वाट बैटरी मिल जाती है 80 mAh के साथ में। इतनी बड़ी वेन के अंदर आपको टोटली 12 यहाँ पे AC के फ्लोरिंग मिल जाते हैं, जो काफ़ी इस गाड़ी को चिल कर देते हैं। आइए ड्राइवर साइड से भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हैंडल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पॉकेट भी दे रखा है, पोर्टल हैंडल्स दे रखा है, सीट को आप ऊपर नीचे, स्टरिंग को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें खूबियों में दे रखी है। ड्राइवर अपने कम्फर्ट को भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है काफ़ी लंबी दूरी तक, क्योंकि इसमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक्स मिल जाता है ये डीजल के साथ में। सीट की बात करें, नीचे से आप इसको स्लाइडर जैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है 5N1 रिवर्स के साथ में। स्टीयरिंग के ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोल्स तो नहीं दिए हैं, पर आप लगवा भी सकते हैं। बाकी इंटीरियर के अंदर भी MID भी काफ़ी डिजिटल एंड मैनुअल दोनों ऑप्शन में मिल जाता है। माइलेज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 से 15 का माइलेज मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। यह भी काफ़ी अपडेट फीचर्स हो चुका है। BS6 फेस 2 इंजन 2.2 CC, मतलब 2200 CC का इंजन मिल जाता है टर्बो चार्जर के साथ में, जो इस गाड़ी को काफ़ी लुक पावर टॉर्क के साथ में। पावर इसमें 99 BHP की मिल जाती है, टॉर्क मिल जाता है 200 Nm के साथ में, जो 1200 से 3500 RPM पे वर्क करता है। आइए हम अब अंदर की भी बात करें। भाई साहब, बाहर की तो बहुत सारी हो चुकी है, अंदर आपको देखने को मिल जाती है अच्छी खासी सीटें हैं, जो सारी लेट के आप इसमें आराम से सो भी सकते हैं। हाथ वगैरह रखने के लिए जगह जगह सीट बेल्ट सारी सीटों के अंदर मिल जाते हैं, मतलब सेफ्टी का टाटा मोटर्स कभी भी कम्प्रोमाइज इस चीज़ में नहीं करती है, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी अच्छी होना चाहिए। यहाँ पे आपको साइड में सीट के पास में ही मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जिससे भी आप मनोरंजन करते रहें, अपना मोबाइल चलाते रहें और बैटरी कभी ख़त्म ना हो, यह भी ध्यान रखा है टाटा मोटर्स ने। तो हम बेंगलुरु के अंदर आ चुके हैं, बेंगलोर में इसको लॉन्च किया गया है प्रभास 4.0 के अंदर 2024 के साथ में इस गाड़ी को, जिससे इस वैन की काफ़ी गुड लुकिंग दिखती है। हर सीट के पीछे भी आप पॉकेट्स मिल जाते हैं, पैर रखने की सुविधा मिल जाती है। AC की बात करो तो AC तो काफ़ी पावरफुल है ही, इसमें आपको सामान रखने की, मतलब छोटे मोटे बैग भी आप ऊपर रख सकते हैं। और यहाँ पे AC के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 1, 2, 3 तक। ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 2460 mm की मिल जाती है, जो काफ़ी हाइट के अनुसार बनाई गई है, जो आप टच नहीं हो सकते। और सामने आपको मिल जाते हैं मनोरंजन के साथ में इस डिस्प्ले, जिसमें आप सारी चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक छोटी से वीडियो के कारण आपको सारी जानकारी मिले, हमने फुल कोशिश की है देने की। और यहाँ पे आपको 2990 kg के साथ में दिया गया है, ये भी गाड़ी का वेट अच्छा खासा दिया गया है। व्हील बेस और टायर की बात करें, तो टायर्स आप देख ही रहे हैं कि इसमें 15 इंच
के साथ में दिए गए हैं, मतलब काफ़ी बड़े टायर्स भी हैं। बैक साइड पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। व्हील बेस की बात करें तो 3200 व्हील बेस दिया गया है और यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है 185 mm के साथ में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कैसी लगी ये टाटा की वेंगस जो आज एक लेटेस्ट फीचर 2024 के साथ में लॉन्च की गई है बेंगलुरु के अंदर प्रभास 4.0 के अंदर। तो जब तक हम मिलते हैं, जय हिंद जय भारत अगले वीडियो के साथ।